हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के एक लड़के को मंदिर परिसर में पानी पीने की वजह से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब एक वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि ये लोग मंदिर में पानी पीने नहीं बल्कि मूर्तियों पर पेशाब करने के लिए आते हैं। यहाँ ये लोग से मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों से है। 16 मार्च को गोपाल गोस्वामी नाम के एक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद हरि मांझी ने भी यह वीडियो शेयर किया और लिखा कि उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप पर मिला था। ये वीडियो जुलाई 2019 में यूपी की घटना बताकर भी वायरल हो चुका है। उस समय यूपी पुलिस ने इस वीडियो को वायरल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ऑल्ट न्यूज को यह वीडियो 2018 में यूट्यूब पर पोस्ट किया हुआ मिला। हमने पाया कि घटना अप्रैल 2018 में विशाखापट्टनम जिले के गांव में हुई थी। इस घटना के बारे में जानकारी हमें तेलुगु समाचार वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों की पहचान आनंद और रमेश के रूप में हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के सुनसान जगह पर होने की वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस आधार पर कीवर्ड सर्च करने से हमें एक फेसबुक लाइव भी मिला जो 10 अप्रैल 2018 का है। इस लाइव वीडियो में घटना की जानकारी दी गई है और आरोपी का नाम रमेश बताया गया है। यह भी बताया गया कि आरोपी पर 66A, 295A, 153A के तहत केस दर्ज किया गया। हमने इस फेसबुक लाइव करने वाले शख्स रमेश देवरापल्ली से बात की। उन्होंने बताया कि आनंद और रमेश दोनों ईसाई धर्म से जुड़े हैं, यानी लगभग 3 साल पुराना एक वीडियो शेयर करते हुए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि आरोपी की पहचान कर उस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है।